देखिए गाइस नीचे कितनी गहराई है। साठ साल के बाद यात्रा करना मिली है बाबा मणिमहेश, अस्सी जा रहे हैं बाबा मणिमहेश। हमारे को नौकरी की मैं फुर्सती नहीं मिली, अभी फुर्सत मिली है, अब तो हम हर जगह ही घूमेंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं ये DRDO के डिफेंस में थे, आप हमें बताएं। और ये देखिए ऊंचा पहाड़। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अपना पहाड़ी लाइफस्टाइल। तो गाइस कैसे हो आप सब, आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो आज के ब्लॉग की शुरुआत हम मणिमहेश यात्रा से कर रहे हैं। मणिमहेश यात्रा चंबा के बरमोर से शुरू होती है। बरमोर से लगभग 7 किलोमीटर की ऊंचाई पर माता बरमानी जी का टेंपल है। माना जाता है पहले माता बरमानी देवी के टेंपल में माथा टेकने के बाद ही यात्रा की शुरुआत होती है। तो सबसे पहले वहां पे माथा टेकते हैं और उसके बाद फिर से बरमोर में आ जाते हैं। बरमोर में आने के बाद फिर 14 किलोमीटर दूरी पर हरसर जगह है, वहीं से हम फिर पैदल यात्रा शुरू करते हैं मणिमहेश कैलाश पर्वत की ओर। तो इस ब्लॉग में हमने बरमानी माता के बारे में नहीं बताया हुआ है, इसका ब्लॉग जो होगा वो पिछले साल का मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, उसका लिंक आप ज़रूर देख लेना। तो चलिए शुरू करते हैं। हेलो दोस्तों, तो आज के ब्लॉग की शुरुआत हो चुकी है गाइस। तो अभी हम हैं इस टाइम हरसर में, तो हरसर से हम ब्लॉग की शुरुआत कर रहे हैं। तो सुबह सुबह कुछ लोग नाश्ता कर रहे हैं क्योंकि हम हरसर से अपनी यात्रा शुरू कर रहे हैं, देख सकते हो आप। ये हमारे साथ अंकल जी भी है यात्रा में, आगे और बाकी बंदों से मिलवाऊंगा जो भी साथ में चले हैं, तो मिलते हैं आगे। ये हमारे दीपक जी, जय बोले जय बोले, लंगर खाते हुए। चलिए गाइस यात्रा शुरू करते हैं। तो देखिए गाइस, हम भी हैं ब्लॉग में भाई जी। ये हमारे बाबा जी आज शिव जी के दर्शन करने चले हुए हैं। तो हम पहुंच जाएंगे तो आपको फिर से दर्शन कराएंगे ऊपर मणिमहेश बाबा जी। हम बीच बीच में रास्ते में आपको बताते ही रहेंगे सब कुछ, व्यू सारा पहाड़ों का। अभी हम हरसर से यात्रा स्टार्ट कर रहे हैं तो यहाँ से भी आपको व्यू बताएंगे और लोगों का बताते रहेंगे कैसे कैसे लोगों ने कितनी मेहनत करके ऊपर लंगर लगाए हुए हैं। हाँ, तो चलिए एक बार आपको पहाड़ों का व्यू दिखाते हैं। बापू ने तो गाइस अभी हम पहुँच चुके हैं हरसर मेन गेट पे। यहाँ से हम यात्रा की शुरुआत करेंगे पैदल यात्रा। तो गाइस अभी हम मेन गेट पे पहुंच चुके हैं, देख सकते हो आप। गाइस आप देख सकते हैं व्यू पहाड़ों का, हमारे साथ बने रहिए। हम आपको पूरा व्यू दिखाएंगे मणिमहेश यात्रा का। देखिए गाइस नीचे कितनी गहराई है। देख सकते हो आप पहाड़ कितने ऊंचे पहाड़। ये भी हमारे अंकल जी साथ में चले हुए हैं। तो गाइस अभी यात्रा बहुत लंबी है, हम आपको आगे मिलते हैं। जवान जवान तैने
जय बोले हर महादेव। तो गाइस अभी दंशो 4 किलोमीटर है, तो अभी हमने करीब 1.5 किलोमीटर का रास्ता पार किया है, तो धीरे धीरे हम चले रहेंगे क्योंकि हमारे साथ सीनियर सिटीजन भी है, तो हमें थोड़ा धीरे चलना पड़ेगा आराम कर करके। तो चलिए आगे मिलते हैं आपको। तो गाइस आप देख सकते हो ये जो नदी चल रही है इसके साथ साथ हमने चलना है, कहीं हमें चढ़ाई चढ़नी पड़ेगी, कहीं प्लेन रास्ता है। तो देख सकते हो यहाँ पे भी लंगर लगे हुए हैं, हर जगह आपको लंगर देखने को मिलेंगे, यहाँ पर खाने पीने की कोई कमी नहीं है, हर जगह लंगर लगे हुए हैं ऊपर तक। बोले के करेंगे मौज, और बोले की फौज उड़ाना, बोले की फौज करेगी मौज, बोले की फौज करेगी मौज, बोले की फौज जय बोले हर हर महादेव, जय बोले। तो ऐसे ही हम जयकारों के साथ अपनी यात्रा जारी रखेंगे। जय बोले, जय बोले बाबा। तो गाइस आप देख सकते हो घोड़े भी अपनी अपनी ड्यूटी पे लग चुके हैं, अभी हमें यहाँ से फिर चढ़ाई चढ़नी है। तो गाइस अभी हम पहली बार आराम कर रहे हैं, सभी थक गए हैं, थके तो नहीं है पर हमें साथ में जो कर्मचारी आए हमारे साल बाद हम जो यात्रा करना मिली है 60 साल के बाद यात्रा करना मिली है, बाबा मणिमहेश असि जा रहे हैं बाबा मणिमहेश। हमारे को नौकरी की मैं फुर्सत ही नहीं मिली, अभी फुर्सत मिली है, अब तो हम हर जगह ही घूमेंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं ये DRDO के डिफेंस में थे, आप हमें बताएं आप पहली बार कब आए थे यहाँ? तो है बोलना कि पहली बार आ रहा हूँ। जय बोले पहली बार आ रहे हैं। तो गाइस आप देख सकते हो सभी लोग जो हैं आराम कर रहे हैं अभी, क्योंकि आगे खड़ी चढ़ाई है, तो हम आगे आपसे मिलते हैं। तो गाइस ये देखिए साथ में नदी बह रही है, और ये मिट्टू के पापा यहाँ पर रेस्ट कर रहे हैं, सभी लोग जो हैं यहाँ पे रेस्ट कर रहे हैं, पानी पी रहे हैं। हम अभी तक हमने 3.5 किलोमीटर चढ़ाई कर ली है ना, इतना 4 भी हो सकती है शायद, 3 बंदे हमारे नीचे हैं वो खास हो गया अभी दिख ही रहे हैं। नीचे एक बंदा मारा है पिटनू कुमार, वो ठास हो चुके हैं। रमेश जी और ये देखिए ऊंचा पहाड़ शानदार है, बहुत ही सुंदर व्यू है, बहुत बढ़िया शानदार है। तो गाइस जैसे ही आप हमारे ब्लॉग में बने रहें, हम आपको हर जगह का अपडेट बताते रहेंगे। अभी हमने पीछे का व्यू नहीं दिखाया आपको क्योंकि चढ़ाई चढ़ने में हम बिज़ी हो गए थे, और वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा हमें थोड़ा थक चुके थे हम, इसलिए हम वीडियो नहीं बना सके। तो गाइस अभी हमने ये वाली चढ़ाई और ये जो चढ़नी है फिर इसके बाद हम पहुंच जाएंगे दंशो, वहाँ पे भी रेस्ट करेंगे क्योंकि हमें हर जगह रेस्ट करनी पड़ रही है, चढ़ाई बहुत ज़्यादा है, और हमारे साथ सीनियर सिटीजन भी है तो उनके बारे में भी देखना पड़ रहा है। देखिए ये हम थक चुके हैं, पहले बहुत दिलेरी ले रहे थे, ये शॉर्टकट ही बहुत मार रहे हैं ये, और अब ठस हो गए। देखिए मिलिए इनसे, तो कैसा लग रहा है आपको चढ़ाई चढ़ने? बढ़िया बढ़िया। तो आपने चाय पी हुए? अभी चाय पियेंगे थोड़ी देर, अभी चाय पियेंगे दंशो में ऊपर। अच्छा चाय जरूर पीना, साथ साथ में रेस्ट करते हुए चलना, और शॉर्टकट मत मारना क्योंकि शॉर्टकट में मारते क्योंकि हमारे पास बहुत ज़्यादा टाइम है, हम मजे मजे से जाएंगे। भाई आप देख सकते हैं अभी हम लंगर चख रहे हैं,
और मसलूत नहीं होना। अभी हम दंचू में पहुंच चुके हैं गाइस और यहाँ पे लंगर आ रहे हैं, मिलते हैं आपको। तो गाइस ये था पार्ट वन, आगे की यात्रा आपको दंचू से मणिमहेश तक बहुत जल्द अगले पार्ट में देखने को मिलेगी। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।